हेलो एवरीवन, देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज हमारा 4.3 है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक ए टेबल। ओके, जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 4 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि इसको वाई वाई के लिए सॉल्व कर लो। एक्स प्लस वाई बराबर 4 दिया है, ये हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर वाई। तो वाई के लिए सॉल्व करोगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स। यहाँ पे इस तरीके से कोई भी इक्वेशन दिया रहे, सबसे पहले हम वाई के लिए उसको सॉल्व करते हैं। वाई के लिए सॉल्व करते हैं तो हमें दो चीज़ें बनती हैं, एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हमने यहाँ पे लिखा एक्स, यहाँ पे लिखा वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। देखो वाई हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, जैसे वाई बराबर 4 माइनस एक्स है तो वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू को या तो इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे, वैसे वैसे वाई भी अफेक्टेड होगा। इसका मतलब वाई हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये हमारा यक्स क्या है, इंडिपेंडेंट। मतलब एक्स की वैल्यू को अपने मन से हम कुछ भी रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है, ये फ्री है। तो यक्स की वैल्यू को अगर हम 0 रखेंगे तो वाई कितना आ जाएगा, 4 माइनस 0 कितना हुआ, 4। यक्स की वैल्यू को अगर हम 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 4 कितना, 0। एक्स की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई की वैल्यू 4 माइनस 1 कितना, 3। तो हमारे पास इस तरीके से ये सब कोऑर्डिनेट हो गए। कौन कौन से हुए, हमारे पास कोऑर्डिनेट होगा 0, 4, 0, 4 हो गया, 0, 4 पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा 4, 0, इसके पास बात क्या हुआ, 1, 3। हमने कम से कम 3 कोऑर्डिनेट ले लिए। अब इसको प्लॉट कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से प्लॉट कर देते हैं। सपोज करो हमने क्या लिया, ए एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस। तो 4, 0 कहाँ पर होगा, 1, 2, 3, 4, ये पॉइंट हमारे क्या है, 4, 0। और ए 0, 4 मतलब क्या है, 1, 2, 3, 4, ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, ये पॉइंट है 0, 4 है, ये क्या है हमारा, 4, 0। अब देखो 4, 0, 0, 4 का मतलब क्या है, एक्स पे 4 यूनिट चलेगा, वाई पे नहीं चलेगा, 0 है वाई पे नहीं जाएगा वो। तो इस तरीके से, और 1, 3 की बात करें तो 1 हमारा इधर है, 3 इधर है, तो यहाँ पे कहीं आएगा। तो इस तरीके से हम अगर तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास लाइन जो जाएगी ऐसे जाएगी। और हमेशा आप ध्यान से देखोगे तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन ही जाता है। तो इस तरीके से ग्राफ हो गया, तो ऐसे आपको करना है। और एक चीज़ और जान लो कि कभी भी कोई इक्वेशन, अगर ओरिजिन से पास हो जा रहा है, कोई लाइन ओरिजिन से पास हो गया, तो डेफिनेटली उसका जो इक्वेशन होगा वाई बराबर एम एक्स के फॉर्म का ही होगा। ये आप चेक कर लो, ठीक है। एम क्या है हमारा, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये हम आपका 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, कुछ भी। ओके,